हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए हेल्दी लड्डू। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बादाम के हेल्दी लड्डू बनाने की सामग्री है, एक कप नारियल का बुरादा है। नारियल का बुरादा बनाने की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। एक कप बादाम, एक कप ग्रेट किया हुआ गुड़, एक बड़ा चम्मच किशमिश, एक छोटी चम्मच इलायची का पाउडर, एक बड़ा चम्मच कटा हुआ काजू, एक बड़ा चम्मच घी। पैन में हम बादाम डालेंगे और 5 मिनट तक भूनेंगे। धीमी आंच पर भूनें। बादाम को हमने लगातार चलाते हुए 5 मिनट तक भून लिया है। अब हम बादाम को प्लेट में निकाल लेंगे। सेम पैन में हम नारियल के बुरादा को भूनेंगे हल्का कलर चेंज होने तक। आप इसके जगह सूखे नारियल को ग्रेट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लगातार चलाते हुए हमने नारियल को अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं इसका हल्का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। बादाम हमारा पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम बादाम को मिक्सी के बर्तन में डालेंगे और पीस लेंगे। बादाम को हमने दरदरा पीस लिया है, इसी तरह से पीसना है। पैन हमारा गर्म हो गया है। घी डालेंगे, काजू डालेंगे, किशमिश डालेंगे। किशमिश फूलने तक हम फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं किशमिश हमारी अच्छे से फूल गई है। अब हम गैस को बंद करेंगे। पीसे हुए बादाम को हमने बाउल में निकाल लिया है। नारियल का बुरादा डालेंगे, इलायची का पाउडर डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ग्रेट किया हुआ गुड़ डालेंगे और फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट डालेंगे। अब हम सारे सामग्री को अच्छे से मिक्स करेंगे। घी गरम है, संभाल कर मिक्स कीजिए ताकि हाथ ना जले। सारे सामग्री को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे इस तरह से। इसी तरह से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। बादाम के हेल्दी और स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार है। इसी तरह से आप भी बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, खुद खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज की लिंक दी गई है। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।